भूत प्रेत का वजूद भी जरूर होगा। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वह अपनी गर्भवती पत्नी मैरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म
कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंटम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें हैं, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो
फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है।
अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार
अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंटम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंटम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते है, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो।
पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें हैं, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास अवसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
और पिंडम इन पोलियोमेटोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पोलियोमेटोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है।
और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है।
निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते है, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्रीराम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है।
बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंटम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें हैं, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं।
लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंटम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में
अकाउंटेंट एटनी शुक्लापेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्रीराम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमाघरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्लापेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं।
एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते है, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने
अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का
अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते है और बहुत कृत्रिम लगते है, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्रीराम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है।
पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है, दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमाघरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है, दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते है, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता।
कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें हैं, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास अवसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ,
क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है।
जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है।
जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है, डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते है, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही
समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें हैं, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास अवसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जानी फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्रीराम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं।
और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है।
कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, ये बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है, जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है, जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है, जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है, जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है।
श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडमिन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्रीराम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है।
लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्रीराम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशत आकर्षक नहीं है। कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मूड सेट करते हैं, लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है, लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं
तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधी समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। पिंडम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। श्री राम और खुशी रवि अभिनीत एक नई हॉरर फिल्म पिंडम अब सिनेमा घरों में है। निर्माताओं ने पिंडम को अब तक की सबसे डरावनी फिल्म के रूप में प्रचारित किया। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। चावल मिल में अकाउंटेंट एटनी शुक्ला पेट में एक नया घर खरीदता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी मेरी, अपनी माँ और दो बेटियों सोफी और तारा के साथ वहाँ रहता है। बहुत जल्द परिवार में हर किसी को अजीब चीजों का अनुभव होने लगता है। उनका मानना है कि घर प्रेतवाधित है और घर खाली करने का प्रयास करते हैं। अनम्मा उनके बचाव में आती है। आगे क्या हुआ, क्या है घर के पीछे का रहस्य, यह बाकी कहानी का हिस्सा है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की कहानी का सवाल है, पिंडम इसे सही समझता है। फ्लैशबैक भाग एक ही समय में दिलचस्प और परेशान करने वाले है। फिल्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और इसे अंत तक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम अपनी भूमिका में काफी अच्छे है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। अभिनेता ने सर्वोच्च काम किया। खुशी रवि एक गृहिणी के किरदार में
बिल्कुल फिट बैठती है और प्रभावशाली है। एक डरावनी फिल्म में पृष्ठभूमि स्कोर और स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिंडम इन पहलुओं में ठोस है। बच्चे बेबी चैत्रा और बेबी लिशा अपनी अपनी भूमिकाओं में शानदार है। ईश्वरी राव ओम किरदारों में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी कलाकारों ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। पिंडम डरावनी शैली में एक नियमित कथा शैली का अनुसरण करता है जिसे हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक परिवार एक नए घर में प्रवेश करता है और एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अवधारणा को पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह मुख्य मुद्दा नहीं है लेकिन कथा में रोमांचकारी क्षणों का अभाव है। पहला भाग अधिकांशतः आकर्षक नहीं है, कुछ दिलचस्प दृश्य है लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वह नियमित डरावनी तस्वीरें है जिसे टिमटिमाती रोशनी, दीवार से गिरते फोटो फ्रेम, चलती हुई वस्तुएं आदि जंप स्केयर अच्छी तरह से नहीं उतरते हैं और बहुत कृत्रिम लगते हैं, जो पिंडम की सबसे बड़ी खामी है। यह फिल्म कई मायनों में हॉलीवुड फिल्म कॉन्जरिंग से काफी मिलती जुलती है और यह देखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। लंबाई एक और मुद्दा है क्योंकि क्लाइमेक्स के हिस्सों को अनावश्यक रूप से खींचा गया है। श्रीनिवास औसारला का किरदार अच्छे से नहीं लिखा गया है। संगीत निर्देशक कृष्णा सौरभ सुरमपल्ली ने बैकग्राउंड स्कोर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। दिलचस्प बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है और इसका मुख्य कारण लेखन संबंधित समस्या है। सतीश मनोहरन की सिनेटोग्राफी अच्छी है। दृश्य और प्रोडक्शन डिजाइन एक डरावनी फिल्म के लिए आवश्यक मोड सेट करते हैं लेकिन दर्शक को डराने के लिए पुरानी तकनीकों का सहारा लेने का विकल्प प्रभाव को बाधित करता है। साई किरण का निर्देशन कुछ हद तक आशाजनक है। यह अच्छा है कि उन्होंने अनावश्यक तत्व जोड़ने की कोशिश नहीं की लेकिन साथ ही डरावने तत्व रोमांचकारी नहीं है। अगर उन्होंने पटकथा पर अधिक ध्यान दिया होता तो अंतिम परिणाम कई बेहतर होता। कुल मिलाकर पिंडम एक नियमित हॉरर थ्रिलर है जिसमें बहुत कम अच्छे क्षण है। मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा है और फिल्म तकनीकी मूल्यों पर उच्च है लेकिन मुख्य मुद्दा कथा के साथ है जो अधिकांश भाग के लिए सपाट है। डरावने क्षण वंचित प्रभाव नहीं डालते और फिल्म अंत तक खींच जाती है। कुछ दृश्य और बैक स्टोरी प्रभावी है लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो